निगम आयुक्त ने बताया कि इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1024 मकान बनेंगे। इंदौर देश के 6 शहरों में शामिल है जहां नई टेक्नोलॉजी से लाइट हाउसेस मकान बनाए जा रहे हैं। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इंदौर में 1024 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने जा रहे हैं, जिसका 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। नई टेक्नोलॉजी से बनने वाले मकानों में सैंडविच पैनलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी। साथ ही इस टेक्नोलॉजी से भूकंप से भी मकानों को सुरक्षा हो सकेगी। इस योजना को दूसरी संस्थाएं भी अपना सकेगी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट बेसिकली प्रधानमंत्री आवास का एक टेक्नोलॉजी में इनोवेशन ग्रांट का प्रोजेक्ट है, और उसमें नई तकनीकी का उपयोग करके घर बनाए जाएंगे। इंदौर पूरे देश भर के ऐसे 6 शहरों में शामिल है जहाँ इस टेक्नोलॉजी के तहत घर बनाए जा रहे हैं। लगभग 1024 यूनिट्स हम लोग यहाँ बनाएंगे, और ये अपने यहाँ कनाड़िया में उसका साइट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल प्लेटफॉर्म से 1 तारीख को इसका भूमि पूजन करेंगे। माननीय सीएम साहब भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म और या इंदौर कहीं से उपस्थित रहेंगे। तो इन सभी की तैयारियाँ लगातार चल रही हैं। जैसे ही भूमि पूजन का काम शुरू होगा, जैसे ही हो जाएगा वैसे ही साइट पर भी काम शुरू हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के बाद से एक नई टेक्नोलॉजी जो है बिल्डिंग निर्माण में, जिसे हम लोग सैंडविच पैनलिंग कह रहे हैं, प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी है, वो देखने को मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी के कई सारे फायदे हैं। टाइम सेव करती है, और भी भूकंपरोधी और जो वाटर सीपेज है उससे बहुत अच्छी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट आने वाले समय में बिल्डिंग निर्माण में भी बहुत अच्छी एक ऐसा मार्ग दिखाएंगे जो बाकी भी संस्थाएँ इसको फॉलो करेंगी।